गाड़ियां दो लाइन फंसी बंदा गिर जा सकता लेडीज बच्चे अब बच्चे क्योंकि पूरा मोहल्ला सर ये लोग जाते हैं सुबह सुबह बसें आती हैं जब स्कूल वो फंस जाती है सर वो एन भी कर गए वकील साहब का वो दामाद भी आया था कहता अगर आप हमारे भी कुछ बोले तो सरदार जी भी सुना अब बनानी शुरू की है तो वहाँ एक वो दुकानदार जो है उसने भी एग्री कर लिया उधर बुक रेटिंग डाल देंगे तो वो शुरू हो जाएगा ना मतलब वो इन्होंने कर दिया बोला ये वाली भी हमने कटिंग कर दी ये शाम को ये आई शाम को डालेंगे असल में वो डाया जो है सर वो कम डाई की पड़ेगी वो जो उन्होंने लाई थी वो नहीं पड़ सकती वो नीचे जाना पड़ता था वो नीचे पाइपें आ रही हैं ये अच्छी वाली पाइप है हमारी तो लाइफ लाइन है सर मेजर ग्रेविटी सारी इसीलिए छोड़ दिया ना ठीक है चलेगा चलो थैंक यू सर वेलकम सर वेलकम सर और आई सर जो है सब अरेंजमेंट वगैरह पानी बिजली पानी का दोनों चीजें नहीं पानी क्यों पानी नहीं बिजली तो खैर हर जगह ही नहीं है वो तो बिजली की वजह से पानी की वजह से पानी नहीं आ सकता अच्छा बेटा रात ही बोलते रहते पूरी भाई 32 के रात में सारे चक्कर रहा है 1 बजे तक सात स्टेप ऊपर ना ये उसको बहुत बहुत बड़ी मैं नहीं मुड़ी आकर चला गया लाइट नहीं थी अवेयरनेस हो जाए लोगों को लाइट आ जाएगी वो मैं बात की वो बोले 132 केवी पे लोड सेटिंग बड़ी हो गई है सर कुछ तब तक वो 132 के भी रिस्टोर नहीं होती है ये तो आज के दौर में हालत है अब एसी भी लग गया सर बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत बड़ा लोड पड़ रहा है मेन जम्मू से जो पावर कम आ रही है एसी के कारण भाई सर 44 डिग्री टेम्परेचर है जम्मू में नहीं नहीं ये मेहमान चलो कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बात खत्म करो ठीक है इसमें मेरी ये सबमिशन है भाई साहब आप बताएंगे तो उसमें ये है कि सर सिटी कमिश्नर साहब आते किसी भी इवेंट पे तो हमारी कोई ज़्यादा जनरल डिमांड्स अलावा कुछ भी हमारी हैं क्योंकि बाकी जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पूरा करती है इसमें ऐसी कोई दिक्कत सारी भी नहीं तो आप बताइए जो भी हम अच्छे तरीके से बात करेंगे लेकिन सर दस्त ये है जना हमारा ये जो नाला है ना ये बिल्कुल ये नीचे ये जनाब का सर जवाब है जनाब ने ऐसे ही देखा था सर नहीं ये वैसे भी इसमें तो नहीं वो टाउन ड्रेनेज वाले टाउन ड्रेनेज पीडीटी डिवीजन सर जम्मू में है वहां का एक्शन वहीं बैठता है यूडी कांग्रेस में बैठता है उनका नहीं कर रहे हैं मेजर तो नहीं डायरेक्टर साहब भी थे उन्होंने कहा जी जनाब डॉक्टर साहब को भी ले सकते हैं ठीक है मैं डॉक्टर साहब बात कर रहा हूं जो ना रखे जा रहे जनाब इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा प्रोजेक्ट बना है सर 50-60 करोड़ का सर पूरे शहर का 100 करोड़ लेकिन भी 100 करोड़ सर कोई कमी नहीं सर पैसे की उसी में से उठवाएं ये सर हारून मलिक साहब के टाइम में यहाँ पे एक वो पूरा एस्टीमेट बनाया था मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट ने
वो भी सर उसके लिए क्या है कि ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है कि इसे पूरा इन्होंने लिया था एस्टिमेट, हमें नहीं पता डिपार्टमेंट ने बनाया ये सर पीडब्ल्यूडी का या नहीं वो यूईडी वाले यूईडी वाले सर यूईडी वाले ठीक है चलो मेरे को अगर आपके इस नाले के ऊपर लेंटर पड़ा हुआ सर नीचे बस स्टैंड पर एक बीच में सर ये यहाँ पे कलवर आ रहा है सर ये हमारे पिछले 10 सालों से इसको डिमांड कर रहे हैं और टेक्निकली तौर पर इट्स पॉसिबल लेकिन यहाँ से जाते हैं ऊपर सर आगे से ये लिंक कर रहा है सर इसको ये जो कंजेशन है ना ट्रैफिक की जहाँ और ये रास्ता जो ये बिल्कुल थ्रू हो जाना चाहिए ये हमारी सर फटी हुई डिमांड सर पत्थर के दूसरा सर जो ओपनिंग होती है जैसे जो साहब ने बोला है जो ओपनिंग है ये बड़ी डेंजरस होती है सर क्योंकि एनारोबिक डीकंपोजिशन हो जाती है सेप्टिक टैंक जो होती है उसका सिचुएशन बन जाती है नाले में मतलब कवर टैंक जहां से ओपनिंग होती है पूरी गैस वहां से आ जाती है और उसके आगे पीछे वाले जो लोग हैं वो मरने का कारण बनते हैं दूसरा सर जो स्मेल होती है वो गर्म हो जाती है या तो कवरिंग हो फिर पूरी हो जाना हो ताकि उसकी ना एनारोबिक डीकंपोजिशन ना हो एरोबिक डीकंपोजिशन हो एरोबिक पहले मिल जाए ना मैंने खुद बोला कुछ आज मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक्सएन पीएचई और जो हमारे पीडीडी सीओ म्यूनसिपैलिटी और जो डिफरेंट डिफरेंट पीडब्ल्यूडी सबके रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मस्जिद हैं और ईदगाह है वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर जो आज जुमा अलविदा के हिसाब से अगर कहीं से कोई रिक्वायरमेंट है कोई अगर सारे अरेंजमेंट पूरे हो गए नहीं हो गए हैं इसके अलावा क्योंकि कल शब भी है तो उसके लिहाज से भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसका भी जायज़ा लिया और जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी फौरी तौर पर जो है एड्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनको जो है डायरेक्शन दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल जिस तरह से हम पूरे जोश खरोश के साथ आज जुम्मा अलविदा है उसको मनाते रहें फिर कल शब है जिसमें लोगों ने पूरी रात बैठ कर तरावियाँ पढ़नी है उसका और उसके बाद जो हमारा आने वाला जो त्यौहार है ईद उसको हम जो है पूरे खुशी के साथ सभी पुंछवासी मिलजुल कर मनाएंगे।